Okay, so hello everyone, this is Akshay here. Let us continue with today's GFG Peer Retreat. Before कुछ स्टार्टिंग द क्वेश्चन है, मैं बता दूंगी ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, राइट और जब हम इसका ड्राई रन देखेंगे यार, तो आपको बहुत ही लाइक अच्छे से सुनना होगा और समझना होगा, राइट क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है इसके ड्राई रन में, राइट क्वेश्चन देख के समझना वुड बी वेरी इजी. एक बार वो कर लेते हैं, इनपुट आउटपुट देख लेते हैं, देन वी कैन सी ऑल द पॉसिबल आंसर्स. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार. सो वी हैव अ गिवन एरे ऑफ लेंथ ऑफ एरे एन एन इंटीजर के. हमें सारे यूनिक कॉम्बिनेशंस निकालने हैं, तो जो जो हमें करना है उससे पहले हाईलाइट कर लेते हैं. यूनिक कॉम्बिनेशंस निकालना है हमें, राइट. एंड ईच नंबर कैन बी ओनली बी यूज वंस इन अ कॉम्बिनेशन, राइट. ठीक है, यूनिक कॉम्बिनेशन मतलब यार अगर जैसे 2 3 है, राइट, तो आप इस आप 3 2 है, तो ये दोनों एक ही बात हो गई. आपको एक ही लेना है, तो 2 3 लो या तो 3 2 ले लो. अब ईच नंबर कैन बी ओनली यूज वंस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 3 है, राइट. तो ये एक अलग इंडिविजुअल 3 और ये एक अलग इंडिविजुअल 3 है, तो सारे नंबर्स जो हैं वो एक ही बार प्रेजेंट होने चाहिए, राइट. ऐसा नहीं है कि आप 2 2 3 यूज़ कर लो, ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट आप 3 3 2 ले सकते हो. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दो इंस्टेंसेज ऑफ 3 प्रेजेंट है यहाँ पे, तो मतलब जितने इंस्टेंस प्रेजेंट हैं, राइट, वो नंबर होना चाहिए, तभी हम उसको एक बार यूज़ करेंगे. नंबर नहीं है तो उसका डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं उठाएंगे, राइट. ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई. ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार. एक बार इनपुट आउटपुट वापस से देखते हैं कि इन्होंने कैसे निकाला है. सो फॉर 1 2 3 3 5 यू कैन सी फॉर के इक्वल्स टू 7, सो देर आर ओनली टू कॉम्बिनेशन विच आर मेकिंग द सम इक्वल्स टू के, दैट इज 3 3 6 + 1 7 एंड 5 2 7. सिमिलरली फॉर द सेकंड टेस्ट केस, हम एक छोटा सा टेस्ट केस लेते हैं क्योंकि हमें ड्राई रन भी करना होगा, तो रिकर्जन में सबसे बेस्ट है छोटा टेस्ट केस लेकर ही ड्राई रन करना चाहिए. तो मैंने एक टेस्ट केस लिख रखा है, उसको लिख लेते हैं स्क्रीन पे. सो व्हाट आई एम टेकिंग इज 1 2 2 एंड 3, राइट, और मैं के की वैल्यू यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, राइट. तो अब मैनुअली देखो तो क्या क्या आंसर्स होने चाहिए. एक तो 2 2 एक आंसर हो जाएगा और एक 1 3 एक आंसर हो जाएगा, और कोई आंसर मेरे को नहीं दिख रहा है. यूनिक कॉम्बिनेशंस मेंटेन्ड है और सारे एलिमेंट्स को एक बार ही यूज़ किया है बस, राइट. ठीक है, अगर अब देखा जाए तो मैं इसको कर कैसे रहा हूँ यार. मैं अभी कोड को छोड़ देते हैं, पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है. मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं हर एक एलिमेंट के पास जा रहा हूँ, मैं सारे कॉम्बिनेशन फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं 1 के पास गया, अच्छा 1 एक अकेला कॉम्बिनेशन है, फिर 1 को 2 के साथ किया, फिर 1 को तीसरे वाले 2 के साथ किया, राइट, इस वाले 2 के साथ इस, और ये वाला जो 2 है ये डिफरेंट 2 है, राइट. सो ऑल दो हमें यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए, बट 2 के दो इंस्टेंसेस प्रेजेंट होने के लिए हम कह सकते हैं कि ये यूनिक कॉम्बिनेशन ही है. तो एक बार वापस से फॉर्म करते हैं. हमने 1 2 ऑलरेडी फॉर्म कर लिया, तो डेफिनेटली हम इसे नहीं ले सकते हैं, राइट. फिर हम क्या करेंगे, 1 3 लेंगे. ठीक है, ये तो हो गया 1 सबके साथ एक एक बार सब इन्हें क्लब कर लिया. अब हम करेंगे, अब हम ज़्यादा नंबर्स लेने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ 1 2 2. फिर क्या हो सकता है, 1 2 3, एंड बाकी क्या हो सकते हैं, 1 3. तो बाकी और क्या क्या हो सकते हैं यार, 1 2 1 2 2 3, राइट. ये तो हो गया, हमने 1 से देख लिया. सिमिलरली हमारा पॉइंटर 2 पे होता, तो सारे कॉम्बिनेशन एक्सप्लोर करते हैं. मैं क्या सकता है, एक 2 अकेला हो जाएगा, एक 2 2 हो सकता है, एक 2 3 हो सकता है, रंगीन वी कैन हैव 2 2 3. सिमिलरली मैं इस पॉइंट पर रहूँगा तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगेन अगर चलिए सब बना के देखते हैं, तो क्या हो सकता है, एक 2 हो सकता है, एक 2 3 हो सकता है, बस इतनी हो सकते हैं. बट आप देख सकते हो क्योंकि ये एलिमेंट सेम थे, राइट, और हमें यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए, तो ये जो चीज़ें हैं जो हमने बनाया, जो लेट्स से जब रिकर्जन लिखेंगे इस पॉइंट के लिए, तो ये सारे ऑलरेडी इसके पीछे प्रेजेंट में कवर हो चुके हैं, क्योंकि पिछला भी जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 2 ही था. तो दैट मीन्स कि अगर एक एलिमेंट के लिए कर दिया है, लेट्स से डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, और अगर 2 के लिए एक बार रन कर दिया, तो उसके बाद उसको रन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. सो दैट्स वन ऑब्जर्वेशन, यू डू नॉट नीड टू रन द रिकर्जन फॉर सेम एलिमेंट्स, डू नॉट नीड टू रन रिकर्जन फॉर सेम एलिमेंट्स, राइट. इसको कैसे हैंडल करेंगे उसके लिए भी देखेंगे, मैं एरे को थोड़ा प्री प्रोसेस करेंगे ताकि रिकर्जन लिखने में ईजी हो जाए. ठीक है, तो हमने देख लिया कि इसके लिए करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली हम 3 पे आएंगे, तो एक लास्ट एलिमेंट है इसका 3 एंड दैट्स इट. बाकी सबके साथ हमने ऑलरेडी इसका निकाल लिया. आप बोलो ये 3 1 भी तो लिख सकते थे भैया, हम 3 2 भी लिख सकते थे, बट हमें यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए ना. 3 1 और 1 3 में डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, राइट, तो इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे. तो मतलब किया रिकर्जन का थोड़ा दिख रहा है कैसे कैसे हमें लिखना पड़ेगा. मैंने क्या किया यार, मैं हर एक पॉइंट पे जाऊंगा, राइट, लेट्स से इंडेक्स 0 है, इस 0 के लिए मैं 1 से लेके एन तक के लिए रिकर्जन कॉल करना पड़ेगा परफॉर्मिंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. सिमिलरली मैं 1 पे जाऊंगा, फिर 2 पे जाऊंगा, फिर 3 पे जाऊंगा, यही हमारी इंडेक्सेस है. इंडेक्सेस क्या है हमारा, 1 0 1 2 3, और 1 के लिए मैं क्या करूँगा, मेरा रिकर्जन चलेगा 1 से लेके एन तक, और ये चलेगा 0 से लेके एन तक. सिमिलरली 2 के लिए क्या चलेगा, 2 से लेके एन तक, और 3 के लिए क्या चलेगा, 3 से लेके एन तक, राइट. ठीक है,
तो ये जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था, इसके लिए जो हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे, हम एरे को सॉर्ट करेंगे, एरे को सॉर्ट कर लेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो रिजल्टेंट एरे हो जाएगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। और इससे हम चेक कर लेंगे कि जब हमने जब इस पर्टिकुलर वन के लिए हमने बाकी सबके लिए एक एक करके रिकर्शन कॉल किया, तो हम साथ ही साथ चेक कर लेंगे क्या एलिमेंट सेम है। जैसे इस वन के लिए टू के लिए तो कॉल करना ही होगा, राइट? आप बस सुनते जाओ यार, मेक सेंस होने लगेगा। लेकिन जब इस वन के लिए जब ये पॉसिबल डायरेक्शन एक्सप्लोर कर लिया हमने, जैसे 1, 2, 3, राइट? तो इस 2 के लिए एक्सप्लोर नहीं करेंगे, और हम चेक कर लेंगे कि जब इस पोजीशन पे आएंगे तो क्या पीछे वाला एलिमेंट सेम था। था तो मतलब वो ऑलरेडी कवर हो चुका है और वापस से नहीं रन करेंगे, राइट? ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम इसके रिकर्जन की तरफ चलते हैं। अब हम इसका सूडो कोड लिखना शुरू करेंगे, जो भी हमने समझा उसको ट्राई करते हैं कोड करने का, और देन हम लोग एक ड्राई रन करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास 2D एरे लिस्ट एक होना चाहिए यार, ग्लोबल स्कोप में। आप इसको लोकल स्कोप में भी डाल सकते हो, बट डिफरेंस वही होगा कि आपको एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लोकल स्कोप को ना करके ग्लोबल स्कोप में डाल रहे हैं, राइट? ताकि हमें एज अ पैरामीटर पास ना करना पड़े। तो लेट्स से ये हमारा आंसर एरे होगा, और एक होगा हमारा 1D एरे लिस्ट, राइट? जो हम इसको नाम दे देंगे करंट पाथ को एक्सप्लोर करने के लिए, राइट? ठीक है, अब हम एक यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे DFS, जहाँ पे सबसे पहले तो हमारा एक इंडेक्स होगा, राइट? क्योंकि एरे में जो एलिमेंट्स उठाने हैं उसके लिए इंडेक्स तो चाहिए होगा। तो मैं एक इंडेक्स पास कर देता हूँ, IDX लिखते हैं इसको, एंड दिस इज नथिंग बट ये इंट होगा, ये IDX, और हमारे पास एक एरे होगा और हमारे पास एक के वैल्यू होगी, क्योंकि हमें इसका टारगेट चाहिए। ये इनिशियली 0 से पास होगा, और के से ही पास होगा, राइट? ठीक है यार, अब हम एक चेक करते हैं। अब बेस केसेस क्या हो सकते हैं? एक बेस केसेस सिंपल सा ये दिख रहा है कि सारे एलिमेंट्स ही ट्रैवर्स हो गए, राइट? तो इन दैट केस आई कैन जस्ट से कि मेरे पास और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, अपना रिकर्जन स्टॉप कर दो। सो इंडेक्स इज इक्वल्स टू नथिंग बट एरे डॉट लेंथ। ऐसा है तो ये जस्ट रिटर्न, ये स्टॉप द रिकर्जन, राइट? रिकर्जन का टाइप क्या होगा? हम वर्ड लिखेंगे, क्योंकि हमने सारे आंसर्स तो अपने 2D लिस्ट में डालना है, तो इसे कुछ रिटर्न टाइप नहीं होगा, राइट? ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग? तो बेस्ड ऑन द डायरेक्शन वी जस्ट सॉ यूजिंग अ मैनुअल अप्रोच, हम उसको थोड़ा कोड करने की कोशिश करते हैं। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमें सारे आई के लिए, सारे इंडेक्स के लिए हमें एन तक जाना है, राइट? तो हमारे पास एक फॉर लूप हो गया, जो आई इक्वल्स टू IDX से लेकर के आई लेस देन एन तक जाएगा, और आई प्लस प्लस होगा उसके साथ, ठीक है? अब इसमें हमें ये भी चेक करना है कि जो एडजेसेंट एलिमेंट उसके लिए नहीं रन करना है, राइट? तो मैं चेक करूँगा कि इफ़ एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस वन, राइट? तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम रिकर्जन को नहीं रन करेंगे, हम कह देंगे कंटिन्यू फॉर दिस इटरेशन, यू स्किप द पार्ट। बट अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले तो हमें उस एलिमेंट्स को ऐड करना होगा, राइट? सो फॉर दैट आई विल ऐड इट इन माई करंट पाथ, दैट इज करंट डॉट ऐड एरे ऑफ आई। इसका भी एक अच्छे से ड्राइन भी देखेंगे यार, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू राइट सम सूडो कोड बेस्ड ऑन द थिंग्स विच हैव सीन सो फार। ठीक है, तो करंट डॉट ऐड करेंगे, सबसे पहले उस पाथ को ऐड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ, जैसे कि हमारे पास 1 है, राइट? 1, 2, 2, 3, जिसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3। तो सबसे पहले हम अगर फंक्शन ऑफ 0, k, राइट, 4 से चला है, सबसे पहले हम 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको ऐड करेंगे अपने करंट पाथ में। सिमिलरली हम 2 को ऐड करेंगे और करंट सम जो डिक्रीज कर देंगे, 4 - 1, 3, 3 - 2, 1, एंड अगेन दूसरा एलिमेंट ऐड करेंगे, तीसरा एलिमेंट दैट इज 2, तो 1 - 2 - 1, ठीक है? तो एक और बेस केस में को दिख रहा है यार कि अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारा k लेस देन 0 हो जाए, राइट, तो इन दैट केस हमारा आंसर वहाँ से नहीं आने वाला है। सो इफ़ k लेस देन ज़ीरो तो हमारा वहाँ से भी आंसर नहीं आएगा, राइट? सो आई विल जस्ट से रिटर्न। तो एक और बेस केस में को पता चल रहा है कि अगर k इक्वल्स टू 0 हो जाए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, तो मतलब हमारा जो पाथ से हम आए थे वो हमारा एक अच्छा पाथ है, एंड दैट इज़ द राइट पोटेंशियल पाथ, क्योंकि सारे एलिमेंट्स सम अप टू k हो रहे हैं। तो इन दैट केस वी विल ऐड आर करंट आंसर इन टू एरे लिस्ट। सो आंसर डॉट ऐड, यहाँ पे न्यू एरे लिस्ट लिखना जरूरी होगा यार, न्यू एरे लिस्ट, करंट पास कर देंगे उसमें। न्यू एरे लिस्ट लिखना इसलिए जरूरी, क्योंकि मैंने देखा कमेंट, सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछले डे में भी किया था, पाथ टू रीट ऑल द पाथ्स फ्रॉम रूट टू लीफ नोड। तो अभी जो आंसर एरे लिस्ट है यार, हमने इसको 2D बना तो दिया है, बट जैसे ये बना रखा है हमने ये, बट यहाँ पे एरे लिस्ट प्रेजेंट है नहीं अभी, तो यहाँ पे नया नया एरे लिस्ट डालना पड़ेगा, राइट? न्यू एरे लिस्ट पुट करना होगा इन स्पेसेस पे, ठीक है? ये हमने कर लिया, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हर एक एलिमेंट्स को इंक्लूड करते जा रहे थे। तो आई विल जस्ट से DFS ऑफ व्हाट आई प्लस वन द सेम एरे, एंड k को हम एलिमेंट से लिया है तो एरे और माइनस आई कर देंगे, ठीक है? होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब हम यहाँ से ड्राइंग करना शुरू करेंगे। ऑलरेडी हम 9 मिनट्स पे, मैंने बोला था एक क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी, बट ठीक है यार, आप बने रहो, विल ट्राई टू कम्प्लीट द ड्राइन एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, एलिमेंट्स के नंबर एक बार वापस से लिख लेते हैं। हमने इसको सॉर्ट किया है तो 1, 2, 2, 3 हो चुका है,
एंड द 0, 1, 2, 3 आर द इंडेक्सेस, राइट। हम कहाँ से चलना शुरू करेंगे, वी विल पास द इंडेक्स 0 एंड नॉट पासिंग द एरे फॉर द कोड छोटा लिखने के लिए, डायरेक्ट छोटा करने के लिए। यहाँ पे के का वैल्यू क्या है 4, और यहाँ पे आंसर्स क्या क्या होने चाहिए, 2.2 होना चाहिए आंसर, एक 1.3 आंसर होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, पहला लाइन क्या है कि हमें अपने, और सबसे पहले तो यार IDX 0 के लिए कॉल हुआ है, तो IDX 1 के लिए भी रिकर्शन कॉल होगा, फिर 2 के लिए भी कॉल होगा, एक 3 के लिए भी कॉल होगा, राइट। उसके बाद कोई आ रहा नहीं है, और सबसे पहला लाइन क्या है कि ऐड योर एलिमेंट, ऐड 0 इंडेक्स, राइट। तो हम एक करंट पाथ बना लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं करंट पाथ, ठीक है। 0 इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, 1, तो हमने 1 ऐड किया, राइट। और फिर बाकी रिकर्शन अगेन कॉल कर दिया i+1 के लिए, तो 1 कॉमा, और प्रीवियसली 4 था सम, एलिमेंट कौन सा ऐड किया है 1, तो टोटल सम कितना होगा 4-1, दैट इज़ 3। और अगेन इसके लिए रिकर्शन कॉल होगा, यहाँ पे फिर से बंच ऑफ रिकर्शन कॉल विल बी देयर, दैट इज़ फॉर IDX2 एंड IDX3, राइट, क्योंकि इंडेक्स 1 के लिए ऑलरेडी हैंडल हो गया है। ये वही चीज़ यार जो मैनुअल में कर रहे थे, देखो कोड लिखने जा रहे हैं तो कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है, समझाने में तो और भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बट ठीक है, विल ट्राई टू कवर दिस अच्छे से जितना ईजी हो सके, राइट। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन फर्स्ट लाइन इज़ व्हाट, ऐड योर फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट, क्योंकि 1 के लिए कॉल किया, फर्स्ट इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है, 2, तो 2 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एंड वी विल कॉल द रिकर्शन फॉर नेक्स्ट स्टेप्स, और 2 को कॉल, 2 को हमने ऐड किया है, तो टोटल सम कितना था 3, तो 3-2 विल गिव यू 1, और विल कॉल द इंडेक्स, विल कॉल द रिकर्शन फॉर द नेक्स्ट इंडेक्स, दैट इज 2, ठीक है। अब 2 है यहाँ पे, तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नथिंग बट ऐड द इंडेक्स 2, क्योंकि जिस एलिमेंट को आपने कंसिडर किया है उसको ऐड तो करो, तो सेकंड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 2, तो वी विल ऐड अगेन 2 हियर, एंड फॉर दिस यहाँ पे अगेन रिकर्सिव कॉल्स होंगे और भी ब्रांचेस होंगे फॉर जस्ट 3, इंडेक्स इक्वल्स टू 3, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर लूप है, राइट, देखते जाओ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ 2, अब अगेन हम i+1 के लिए कॉल करेंगे, दैट इज 3 एंड वॉट, एंड इज वॉट, सो 3 के लिए कॉल किया हमने, एंड यहाँ पे एलिमेंट क्या है 3, और यहाँ पे सम क्या है 1, तो 1-3 विल गिव यू -2, राइट। और यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमारा जो ये एलिमेंट है, राइट, हमारा जो के है वो खुद ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 हो गया है, करेक्ट। और जब ये फंक्शन रिकर्सिव कॉल कॉल किया था, तो उसके पहले ही हमने लिखा है कि कॉल करने से पहले ही आ रहा है i को ऐड करो, राइट। तो यहाँ पे जो इंडेक्स 3 पे जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, 3, तो 3 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और वापस जो रिकर्सिव कॉल होगी, तो इसमें चेक होगा ये इफ केस हिट हो जाएगा कि के लेस देन 0। अगर आप देख भी पाओगे यार कि यहाँ पे जो करंट सम है वो डेफिनेटली इक्वल्स टू 4 के बराबर नहीं है, राइट। तो हमने एक गलती की यहाँ पे यार, हमारा सम पहले ही नेगेटिव हो चुका था, राइट, जब हमने यहाँ पे इसको कंसिडर किया था 2 को, राइट, तो करंट सम क्या था 1, और जब एलिमेंट सेकेंड इंडेक्स पर एलिमेंट क्या थी 2, जिसने हमने ऐड किया था, राइट। सबसे पहले इसको रिमूव कर देते हैं, तो ऑलरेडी जो हमारा जो इंडेक्स है, जो सम है, टोटल सम 1-2-1 हो चुका था, राइट। अब हमारा सम हो गया क्या, लेस देन 0, तो इन दैट केस वी विल जस्ट रिटर्न फ्रॉम हियर, कि यहाँ से कोई पॉसिबल आंसर नहीं आएगा, राइट। एक और बात है, जब यहाँ से हम पेरेंट ट्रैक बैक किया 2.1 के लिए, तो यहाँ पे एलिमेंट कौन सा ऐड किया था 2, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस 2 को ले लोगे अपने पाथ में तो आंसर नहीं आने वाला है, तो मैं पेरेंट ट्रेस बैक तो कर गया, बट इस 2 को अपने से हटाना भी पड़ेगा इस आंसर से, राइट, क्योंकि भाई इस पाथ से आंसर नहीं आला, आपका सम जो है वो नेगेटिव हो जा रहा है, लाइक नेगेटिव हो जा रहा है इन रिकर्सिव कॉल, बट वो सम ग्रेटर देन हो जा रहा है अपने करंट के, आप देख भी सकते हो 2+2+1 4-5 हो जाता है, राइट, विच इज़ ग्रेटर देन माई टारगेट। तो मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखूंगा यार, इस फॉर लूप के अंदर मैं एक और लाइन लिखूंगा कि रिमूव योर लास्ट एलिमेंट वंस योर रिकर्जन इज डन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा करंट डॉट रिमूव, लास्ट एलिमेंट रिमूव करना, राइट, सो करंट डॉट साइज -1, यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड विल गो टू आवर पेरेंट कॉल, ठीक है यार। अब यहाँ से एक और कॉल खुलेगा फॉर इंडेक्स 3, राइट, और यहाँ पे क्या कॉल होगा, इंडेक्स 3, सो दैट वुड बी कॉल्ड फॉर, तो इंडेक्स 3 के लिए कॉल होगा, और सम देखो क्या है 1 यहाँ पे, राइट, और हम किसको इंक्लूड करना चाह रहे हैं, इंडेक्स 3 पे थर्ड एलिमेंट है, सो 3-1 विल गिव यू -2, राइट। और आप देख भी सकते हो, अगर आप मैनुअली देखो तो हमने कौन कौन से पाथ को कंसिडर किया, सबसे पहले हमने 1-2 को कंसिडर किया, फिर पता चला कि नहीं इससे आंसर नहीं आएगा, तो हम बैक ट्रैक किया हमने, फिर हमने 1-2-3 को कंसिडर किया, आप यही देखोगे अभी यहाँ पे हमने 3 को ऐड किया, बट मैं फिर से देख रहा हूँ कि सम मेरा अभी भी ग्रेटर देन टारगेट है, राइट, नेगेटिव आने का मतलब है कि सम जो है ग्रेटर देन टारगेट है, तो यही हो भी रहा है यार, हम एक को कंसिडर कर रहे हैं, सम बड़ा हो जा रहा है, तो हम ट्रेस बैक हो जाते हैं, ठीक है। तो अगेन हम देखेंगे कि अच्छा सम नेगेटिव हो गया, तो अगेन ये पॉसिबल नहीं है, ट्रेस बैक हो जाओ, और जो एलिमेंट अभी आपने ऐड किया था उसको सबसे पहले हटा दो, वहाँ से आंसर नहीं आएगा, राइट।
ठीक है, वापस से ट्रेस बैक करेंगे अपने पेरेंट कॉल पे। अब क्योंकि हम इसके भी पीछे जा रहे हैं राइट, तो अब हम किस एलिमेंट को हटाएंगे? हमने फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट को ऐड किया था, दैट इज़ दिस टू, तो हमने इस टू को अपने करंट पाथ से हटाना पड़ेगा राइट क्योंकि हम और पीछे जा रहे हैं, ट्रेस बैक कर रहे हैं। सिमिलरली ठीक है, अब इसके इंडेक्स टू और थ्री के लिए रन करते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स टू के लिए क्या रन करेगा, क्या ये रन करेगा? क्योंकि देखो इंडेक्स वन के लिए हमने ऑलरेडी रन कर लिया था और टू पे जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू है इंडेक्स वन की, तो हमने डिस्कस किया था यार डुप्लीकेट एलिमेंट्स के लिए रन नहीं करेंगे, तो स्मार्ट वर्क करेंगे। और ये चीज़ कैसे इंश्योर हो रही है, हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन हमने लिखा है, तो यहाँ पे चेक हो यार इंडेक्स टू के लिए हम रिकर्सिव कॉल लगाना चाह रहे थे बट इंडेक्स टू पे एलिमेंट जो है वो टू है विच इज़ द सेम एज द इसके प्रीवियस इंडेक्स है, तो हम इसके लिए रिकर्सिव कॉल नहीं लगाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। आप ये रिकर्सन ट्री अच्छे से सुनना, देखना, एक बार खुद से भी करना होगा तभी आपको पूरे अच्छे से समझना, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर फॉर लूप के अंदर रिकर्सन चल रहा है यार, तो इसको समझना बहुत जरूरी है राइट। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपको मिलेंगे। एक और है टू प्रिंट ऑल द सब सीक्वेंसेस, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है राइट। ठीक है, तो अब इसके पे आते हैं, इसका जो थर्ड कॉल है उसको शुरू करते हैं। तो फंक्शन ऑफ, हम थर्ड इंडेक्स के लिए कॉल लगाना चाह रहे हैं, और अब देखो अभी तो एलिमेंट्स कौन कौन से इंक्लूड हो रहे हैं, अब वन और थ्री इंक्लूड हो रहा है, तो हम सारे पाथ को कंसिडर करते जा रहे हैं एक्चुअली में। तो थ्री हुआ और यहाँ पे एलिमेंट क्या है, थ्री, और अभी सम कितना चल रहा है सी, तो थ्री माइनस थ्री वुड बी जीरो, मतलब कि माय करंट पाथ वॉज, हमने यहाँ पे एक थ्री ऐड करें क्योंकि इस थ्री के लिए कैसे कॉल लगाया, अगर आप देख भी सकते हो वन प्लस थ्री फोर होता है और सम यहाँ पे जीरो भी बन रहा है, मतलब कि ये जो करंट पाथ अभी आपने बनाया ये दिस इज़ वन ऑफ योर पॉसिबल आंसर। और ये कैसे अपना कोड हैंडल करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ के इक्वल टू जीरो देन ऐड योर करंट पाथ इन द आंसर। ठीक है, तो हम एक आंसर बना लेते हैं, हम यहाँ पे 1.3 पुश कर देंगे भाई। न्यू एरर लिखना जरूरी है यार, जो अगर सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्या है लॉजिक एरर्स में, कि आप 2D एरर लिस्ट बनाए हो तो हॉरिजॉन्टल जो स्पेसेस हैं एरर लिस्ट के आप उसमें नया एरर लिस्ट डालोगे ना राइट। ठीक, क्योंकि वो तो सिर्फ मेमोरी साइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। तो यहाँ पे हम अगेन, हमें आंसर मिल गया और हम वापस से रिकर बैक कर जाएंगे, यहाँ से हम चले जाएंगे वापस। ठीक है, अब क्योंकि वापस गए तो मतलब ये वाला पाथ हमने एक्सप्लोर कर लिया है, आंसर भी आ गया था, तो अब इस थ्री को हटा दो यहाँ से, अब वापस से वन पे चलते हैं राइट। ठीक है, वन पे अब इसकी सारी कॉल्स खत्म हो गई यार, फंक्शन ऑफ 1.3 को हमने सारे पाथ एक्सप्लोर कर लिए हैं, मतलब वन से सारा एक्सप्लोरेशन खत्म हो चुका है, वन से जितने भी बनने थे और वही हो भी रहा था यार, हमेशा वन में था। अब हम चलेंगे अपने वापस से अपने पेरेंट कॉल पे। अब इंडेक्स जीरो के लिए काम हो चुका था, अब हम करेंगे इंडेक्स वन के लिए काम। अब हम पेरेंट कॉल पे वापस गए तो इसका मतलब जो लास्ट एलिमेंट था जो वन था उसको भी रिमूव करना पड़ेगा। और अब देख भी पा रहे हो यार कितने अच्छे से रिकर्जन हो रहा है। सबसे पहले हमने सारे पॉसिबल पाथ विथ वन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट एक्सप्लोर किया, अब हम करेंगे ऑल पॉसिबल पाथ विथ टू एज अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज रिसाइडिंग एट इंडेक्स वन। तो यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल रहेगा फॉर फंक्शन ऑफ व्हाट टू कॉमा टू राइट। तो हम एक टू ऐड करेंगे यहाँ पे, हमारा जो करंट पाथ है इसमें एक ही वैल्यू है टू। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन रिकर्सिव कॉल रहेगा फॉर इंडेक्स फॉर रेस्ट ऑफ द इंडेक्स दैट इज थ्री, यहाँ पे इंडेक्स टू के लिए हमने कॉल कर दिया था राइट। ठीक है यार, व्हाट एल्स तो जो हम इस इंडेक्स वन पे थे, तो यहीं पे हमने अपना सबसे पहले तो इंडेक्स वन वाला एलिमेंट को ऐड करना था, ये है इंडेक्स वन वाला एलिमेंट, IDX वन वाला एलिमेंट राइट। ठीक है अब यहाँ से हम एक और कॉल लगाएंगे यार फंक्शन ऑफ व्हाट। ठीक है यार, तो लास्ट रिकर्सिव कॉल यार, इस बात को थोड़ा सा समझना, इसको वापस एक बार इरेज करते हैं, इसके लिए वापस एक बार फिर से शुरू करते हैं। तो फंक्शन ऑफ 1.4 के लिए कॉल करना है राइट। तो हम यहाँ पे क्या कॉल करेंगे, फंक्शन ऑफ, सबसे पहले तो 1 के लिए कॉल किया और एलिमेंट क्या था, टोटल सम क्या था 4 राइट, और हमने कौन से एलिमेंट को लिया, इंडेक्स 1 को, तो टोटल सम अब कितना बन जाएगा 1.2 राइट, तो 2 इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पे अगेन रिकर्सिव कॉल लगेगा फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू, देखो बहुत बहुत डीपली नेस्टेड है यार, समझते हैं राइट। अब यहाँ पे इसको एंड करेंगे यार, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे हम लोग। सो इंडेक्स इक्वल्स टू 2 के लिए कॉल करेगा, फिर 3 के लिए कॉल लगेगा राइट। तो ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो आई प्लस वन वाला पहले कंप्लीट कर लेते हैं पार्ट। सो फंक्शन ऑफ 1.2 हो गया, अब फंक्शन ऑफ कौन सा कॉल होगा, द नेक्स्ट इंडेक्स 2 एंड करंट सम क्या था 2, और इंडेक्स 2 पे एलिमेंट क्या है 2 अगेन, तो 2-2 विल गिव यू 0, तो यहाँ पे एक और 2 ऐड करो, और यहाँ पे क्योंकि ये 0 है तो जो करंट पाथ तुम्हारा बोलेगा वो हमारा एक आंसर है, एक 2.2 हमारा एक आंसर मिल चुका है राइट। अगेन विल रिकर बैक हियर राइट, और हम देखेंगे इसका खत्म हो गया सारा फंक्शंस। अब इंडेक्स 2 के लिए, क्या इंडेक्स 2 के लिए मैं रन करूँगा, क्या मैं करूँगा आप बताओ, नहीं करूँगा यार, क्योंकि इसका जो पीछे का जो एलिमेंट है इंडेक्स 2 पे, जो सेम एलिमेंट है उसके पीछे का एलिमेंट भी सेम है, तो हमने देखा था यार सेम एलिमेंट्स के रन करने की जरूरत नहीं है। एक बस आखिरी कॉल बचा, दैट इज़ फॉर इंडेक्स 3, अगेन वहाँ से कोई आंसर नहीं आने वाला है, क्योंकि ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये हमने 2.3 वाला पार्ट हो जाएगा राइट।
हमने टू यहाँ से कंसिडर किया और इसका जो पाथ है थ्री, तो अगेन यहाँ से भी आंसर नहीं आ रहा है। सिमिलरली आप थ्री से भी रन करके देख लेना, थ्री से भी आंसर नहीं आएगा यार, ठीक है। तो इस रिकर्शन को यहीं पे एंड करते हैं अब। इस रिकर्शन को यहीं पे एंड करते हैं यार। यहाँ पे भी अगर आप कॉल लगाते हो तो अगेन नेगेटिव सम ही रहता। ऑलरेडी टू आपने कंसिडर कर रखा है और रिमेनिंग सम है टू। आप एलिमेंट कंसिडर करोगे थ्री, तो टू माइनस थ्री यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन फॉर इंडेक्स थ्री, तो अगेन यहाँ से रिटर्न ही हो जाएंगे यार। तो ठीक है यार, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हो। एंड आज का वीडियो सही में बहुत लंबा था यार, बट ये बातें समझना ज़रूरी थी। हो सकता है आपको वीडियो एक से दो बार देखना पड़े, आज वीडियो की लेंथ भी बहुत लंबी हो गई, बट अगर आप ये समझ जाओगे, अगर आप ये समझ जाओगे कि कैसे क्या हो रहा है, तो फिर आगे ऐसे ऐसे रिकर्शन प्रॉब्लम्स से आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आप मे भी खुद से कोड ना लिख पाओ, बट अगर लिखा हुआ ऐसा कोई कोड है तो आप डेफिनेटली समझ जाओगे, अरे हाँ यार अक्षय भैया ने ऐसा पढ़ाया था, ये ड्राइन समझ गया, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ। तो तुरंत से एक मिनट में कोड वर्क्स पर देख लेते हैं। हमने दो ग्लोबल वेरिएबल्स बनाए हैं यार, एक 2D एरर लिस्ट, एक सिंगल एरर लिस्ट। फिर हमने DFS कॉल किया और ये एरे डॉट सॉर्ट इसलिए किया यार कि टू अवॉइड गोइंग फॉर द सेम कॉम्बिनेशन, राइट। बट ये चेक कैसे करें कि यार सेम एलिमेंट्स के लिए कॉल नहीं करना, इसलिए हम उसको सॉर्ट कर दिया कि जस्ट पीछे वाले एडिशन से चेक कर लेंगे कि अगर सेम एलिमेंट है तो मत करो, राइट। तो ये बस हमको आपको हेल्प मिला ये चेक करने के लिए कि सेम एलिमेंट्स के लिए आप रिकर्शन कॉल मत करो, बस ये इतना ही हेल्प करता है। एक्चुअली में कंसिडर करना है कि नहीं करना, वो ये इफ लूप हमारा हेल्प कर रहा है। सो देर आर फ्यू बेस केसेस कि अगर k इक्वल्स टू जीरो है तो हमारा आंसर अवेलेबल है, और अगर सारे एरे ट्रैवल्स हो चुके हैं या फिर एट एनी पॉइंट k लेस देन जीरो हो जा रहा है हमारा टारगेट सम, तो उस वो पाथ पॉसिबल नहीं है, फिर से हम अपना रिकर्शन स्टॉप कर दो। नाउ फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे, सारे राइट एलिमेंट्स में जितने उन सब के लिए हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, इसलिए फॉर ऑल द आई वी आर गोइंग टिल आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। हमने फिर अगर सेम एडजेसेंट को स्किप किया है, सेम एलिमेंट्स एडजेसेंट एलिमेंट्स को, देन वी हैव इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट पाथ, तो सबसे पहले उस एलिमेंट को ऐड करो पाथ में, देन वी कॉल द DFS फॉर द नेक्स्ट इंडेक्स। और ये करंट डॉट रिमूव ये बैक ट्रैक का पार्ट है कि अगर आपको उस वे से आंसर नहीं मिला और आप पीछे आना चाह रहे हो पेरेंट कॉल को, तो जिसको आपने ऐड किया था एज एन एलिमेंट उसको भी रिमूव करो, राइट। तो बैक ट्रैक किया हमने। सो दैट इज इट यार, प्लीज सबमिट दिस कोड बाय योरसेल्फ। एंड व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? सो टाइम इज अगेन दैट फॉर ईच एंड एवरी नंबर वी आर एक्सप्लोरिंग टू paths, दैट इज उस नंबर को ले या ना ले, राइट। तो सो दैट्स वाई द टाइम कॉन्स्टी वुड बी एक्सपोनेंशियल एंड मे बी रिलेटेड टू 2 power n। एंड व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी अगेन वी आर यूजिंग, तो कोड भी सबमिट हो गया यार। एक बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप देख पाओगे कि रिकर्शन डेप्थ ऑफ द ट्री को बोलते हैं। तो डेप्थ सबसे ज्यादा कहाँ पे आप देख सकते हो, 0 के लिए कॉल किया, 1 के लिए कॉल किया, 2 एंड 3। तो 0, 1, 2, 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? O(n). सो O(n) ड्यू टू द रिकर्शन डेप्थ 3 हम यहाँ पे ये लगाएंगे, राइट। और हमने एक करंट एरर लिस्ट भी इस्तेमाल किया है उसके नाम पे, तो O(n) वहाँ भी लगाएंगे। 2D एरर लिस्ट को हम अपने स्पेस पे नहीं लेंगे क्योंकि वो रिटर्न टाइप का दिख रहा था। तो हमने लॉजिक लिखने में जो स्पेस यूज किया है दैट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दैट विल बी गिविंग एज द आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं यार, मिलते हैं कल के वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर। ये वीडियो बहुत लंबा था, बट स्टिल लेट अस मीट अगेन विद द न्यू एनर्जी एंड द न्यू मोटिवेशन। बाय बाय।